गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएस। चलिए आज की मेजर हेडलाइंस और एडिटोरियल देख लेते हैं। सबसे पहली हेडलाइन है, हिंदू वुमेन्स सूट इन ज्ञान व्यापी केस मेंटेनेबल सेज कोर्ट। मतलब बेसिकली ये है कि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड था वो ये चाहता था कि ये जो है रिजेक्ट हो जाए ऑन सर्टेन ग्राउंड, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए ये इशू क्या है कि 1993 के बाद से जो आपका ये जो मस्जिद है यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद, यहाँ पर ये एक्चुअली पहले हिंदू टेम्पल था जिसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया था, बट उसके बाद भी जो है हिंदू लोग जा करके वहाँ पूजा पाठ करते थे डेली। 1993 जो है आपका बाबरी मस्जिद के बाद से जो है उत्तर प्रदेश ने ये बोला नहीं, साल में एक ही बार आप वहाँ पर वर्शिप कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट जो है ये लेडीज जो है ये चली गई थी, ठीक है, कि नहीं हमें जो है वर्शिप करना है। कौन कौन गई थी, एक तो ये देखिए राखी सिंह जो है मेन है, ठीक है, किसकी वर्शिप के लिए, माँ श्रृंगार गौरी, लॉर्ड गणेश एंड अदर विजिबल डाइटीज जो भी थे उनकी वर्शिप के लिए इनको जाना था, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि ये केस अलाउ कर दिया, अभी आगे केस चल रहा है, ठीक है। अब इसको आगे एक बार देख लेते हैं क्योंकि आपका प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सवाल बन सकते हैं। अब ज्ञान व्यापी मॉस्क कहां पर है, बनारस उत्तर प्रदेश में, किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने, कब बनाई थी, 1669 में, ठीक है, कैसे बनवाई थी, एक शिव टेम्पल था उसको तोड़ करके मॉस्क बनवा दी थी, ठीक है। तो ये एक इशू था। अब आगे देखिए, अब ये किसने बनवाया था, जो शिव टेम्पल है टोडरमल ने बनवाया था। टोडरमल कौन था, मिनिस्टर था अकबर के टाइम पे, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये जो मस्जिद है और मंदिर है ये एक बार बना और टूटा नहीं है। अगर आप पुराने उसको देखेंगे, ठीक है, तो शुरुआत कैसे हुई कि गुरीड जो थे, ठीक है, उन्होंने बनवाया था कब, जयचंद्र जो कन्नौज के थे उनको हरा करके, ठीक है। उसके बाद रजिया मॉस्क बना दी गई वहां पर, ठीक है। उसके बाद फिर एक गुजराती मर्चेंट जो था उसने इल्तुतमिश के टाइम पे फिर वहां पर जो है बना दिया मंदिर। वो मंदिर फिर हुसैन शाह के टाइम पे तोड़ दिया गया, या हुसैन शाह को सिकंदर लोदी भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अकबर वाली रेन आई, ठीक है, जहां पर राजा मानसिंह गॉट द टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड, ठीक है, और उसको तोड़ करके फिर से औरंगजेब ने जो है वहां मस्जिद बना दी। तो प्रेजेंट सिचुएशन में वहां मस्जिद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन रिसर्जेस टू 7% एज फूड प्राइसेस माउंट। देखिए ये कल हमने डिस्कस किया था, कल न्यूज आई थी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है फूड कमोडिटीज का, उसको मॉनिटर कर रही है गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े। देखिए बढ़ गया, 6.71% था जुलाई में, अब जो है 7% आया अभी, ठीक है। मेन रीजन भी हमने पढ़ा था कि फूड प्राइसेस जो है उनके कारण जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। फूड प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, अनइवन मॉनसून है, हमने ये भी पढ़ा था। अच्छा ये एक और चीज है कि 8th सक्सेसिव मंथ है कि 6% के ऊपर है। 6% इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, 4-6% के कैप में रखना एमपीसी का टारगेट है इन्फ्लेशन को, ठीक है। व्हाट इज एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब रूरल इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू अर्बन इन्फ्लेशन, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली एक और बात मैं यही कवर कर देता हूं कि 10 out of 20 मेजर स्टेट्स जो है इंडिया के, उनमें 7% से ऊपर इन्फ्लेशन है, और बंगाल में सबसे ज्यादा अराउंड 8.9% इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इसको अब हम आगे कवर नहीं करेंगे, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे एमपीसी कमेटी जो है अपने रेट्स डिसाइड करती है। हाँ एक और टर्म है यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ इन जुलाई ड्रॉप्ड टू द लोएस्ट लेवल सिंस अप्रैल एट जस्ट 2.4%, ठीक है। अब जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उस पर मेजर किया जाता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे पढ़ लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। देखिए आईआईपी इज एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको मेजर करता है ये। कौन देता है ये, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देता है, ठीक है। बेस ईयर क्या है इसका, 2011-12, ठीक है।
अब इसका फायदा क्या होता है, अलग अलग जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं या आरबीआई, इनको पॉलिसी मेकिंग के पर्पस में हेल्प करता है। अब इसके अंदर 8 कोर सेक्टर्स है। देखिए ये प्रीलिम्स में पूछ चुका है, तो आपको वेटेड जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद होना चाहिए। तो देखिए ये 8 कोर सेक्टर जो है, जो कि मेजर पोर्शन है इस बास्केट का, जिसके बेसिस पे आईआईपी कैलकुलेट होता है, ठीक है। रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, देन इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। दिस हैज बिन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इस न्यूज में बस इतना ही है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब देखिए जो सीएए पिटीशन टू बी हर्ड ऑन अक्टूबर 31, तो अभी बेसिकली कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देख लेते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ सीएए ऑफ 2019, इसको सुनेगी कोर्ट। 3 जज बेंच बना दी गई है। अब बेसिकली है क्या, ये जो एक्ट है ये क्या कर रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज के, उनको कवर कर रहा है और मुस्लिम्स को कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। इनका मेन रीजन क्या है मुस्लिम्स को नहीं कवर करने का, इनका ये कहना है कि मुस्लिम को छोड़ करके ये सारे जो हैं ये परसिक्यूशन के डर से भाग के आए हैं इंडिया, इसलिए इनको कवर करना जरूरी है। अब उससे होगा क्या कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन जो है वो इन सिक्स रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को तो 5 साल में मिल जाएगी, वेयर एस मुस्लिम्स को जो है 11 साल तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और इसमें पिटीशन में बात कही है कि जो असम का नेशनल रजिस्टर ऑफ ऑफ सिटीजन जो है, एनआरसी शॉर्ट फॉर्म में हमने बहुत सुना है, एनआरसी एनआरसी, तो उस इशू को भी इसमें क्लब कर दिया जाए। तो उसके लिए जो है लॉयर्स ने कहा कि पॉसिबल नहीं होगा, दो अलग अलग इशूज हैं, ठीक है। इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू कवर दिस सीए एंड एनआरसी इन डेप्थ, जस्ट मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, वील कवर इट इन डेप्थ, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाँ देखिए अब बेसिकली हुआ क्या था, 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जो यूएस है, देखिए 7 सितंबर की न्यूज है, उसने 450 मिलियन का जो है एक वो दिया है, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को जो है इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड दे रहा है पाकिस्तान के F-16 जो फाइटर फ्लीट है उसको, ठीक है। तो इंडिया ने कंसर्न दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा कि हम कोई नया प्लेन नहीं दे रहे हैं, जो पुराने हैं उनके उनका मेंटेनेंस और अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया काफी समय से इस इशू को उठाता आया है, ठीक है, कंटिन्यूअसली रेज किया है कि क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को आपने F-16 क्यों दिया। यूएस का ये कहना है कि पाकिस्तान की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए जरूरी है। तो ये सब मतलब कि कोई खास ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नहीं इसमें। बस एक और चीज बताइए कि इंडिया जो कंटिन्यूअसली इशू रेज करता जा रहा था, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान के F-16 जो है लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया आए थे, फॉर दैट ऑल्सो इंडिया इज गिवन द प्रूफ, ठीक है। इसमें ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, वी कैन स्किप दिस ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद एक ये है जो सॉरी श्रीलंका एशिया कप जीत गया, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत जोड़ो एंड कांग्रेस जोड़ो, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। उसके बाद इंडिया हैज लॉस्ट इट्स वे टू यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉज, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे म्यूचुअल कोऑपरेशन से इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, इनको ये कहना है कि आपको इंटरनेशनल लॉज के अंदर उनको रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये न्यूज भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ। अब देखिए अब जो अभी हमने मंदिर वाला इशू जो पढ़ा था, ज्ञानवापी मंदिर वाला, इस पे एथिक्स में क्वेश्चन बन सकता है कि आप ऐसे ऐसे करके डीएम है यहाँ के, कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है, हिंदू जो है वर्शिप के लिए जा रहे हैं, कम्युनल टेंशन बढ़ा हुआ है, तो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि 10 आउट ऑफ 22 जो है वो उनका इन्फ्लेशन रेट जो है 7% से ज्यादा है, वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा 8.94, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आज का सेशन क्लोज करते हैं। गुड डे गाइस, हैप्पी लर्निंग।